हुआवे ने दोस्तों अपना एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन हुआवे ऑनर 7A चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस रखा है दोस्तों 10,000 के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इस हुआवे ऑनर 7A के बारे में कि आप लोगों को यहां पे क्या कुछ स्पेसिफिकेशन मिलता है, कैसा डिज़ाइन मिलता है एंड किस प्राइस में चाइना के अंदर लॉन्च हुआ है एंड किस प्राइस में इंडिया के अंदर आ सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों तक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले अगर बात करें दोस्तों इस हुआवे ऑनर 7A की डिजाइन के बारे में, तो यहां पे आप लोगों को फ्रंट में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले मिलता है, जहां पे 5.7 इंचेस का आप लोगों को स्क्रीन साइज देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले के ऊपर में आप लोगों को ईयरपीस, फ्रंट फेसिंग कैमरा, एलईडी फ्लैश एंड सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं। डिस्प्ले के नीचे पे आप लोगों को जो है ऑनर का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। पीछे की अगर बात करें तो यहां पे आप लोगों को बैक में मेटल और प्लास्टिक का जो है मिक्सचर मिलता है, ऊपर नीचे आप लोगों को प्लास्टिक देखने को मिलता है एंड बीच में जो है आप लोगों को मेटल देखने को मिल जाता है। फ्रेम जो है वो मेटल का यूज किया गया है। पीछे के डिजाइन की अगर बात करें तो यहां पे आप लोगों को डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, एंड उसके बगल में आप लोगों को एलईडी फ्लैश देखने को मिल जाता है एंड आप लोगों को बीच में फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। राइट साइड में आप लोगों को पावर की वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाता है एंड लेफ्ट साइड में आप लोगों को जो है सिम ट्रे देखने को मिल जाता है। अब अगर बात करें दोस्तों इस हुआवे ऑनर 7A की स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5.7 इंचेस का एक HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS LCD डिस्प्ले, जहां पे आप लोगों को 2.5D कर्व एक ग्लास देखने को मिल जाता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहां पे आप लोगों को मिलता है एंड्रॉइड ओरियो 8.0 आउट ऑफ द बॉक्स, जिसके ऊपर आप लोगों को मिल जाता है इमोशन UI 8.0। इमोशन UI हुआवे का अपना कस्टम UI है, जहां पे आप लोगों को काफी सारे इनबिल्ट कस्टमाइजेशंस देखने को मिल जाती है। अगर बात करें प्रोसेसर की, तो यहां पे इस बार हुआवे के इस डिवाइस में कोई किरिन का प्रोसेसर नहीं है। यहां पे हुआवे ने यूज किया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर काफी पुराना है, लेकिन फिर भी बजट कैटेगरी में ठीक ठाक ही है। तो प्रोसेसर के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर बात करें दोस्तों GPU की, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है Adreno का 505 GPU। RAM इनबिल्ट स्टोरेज की बात करें तो यहां पे दो वेरिएंट में आता है ये, एक है 2GB RAM एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज, और एक जो वेरिएंट है वो आप लोगों को मिलता है दोस्तों 3GB RAM एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज वाला। यहां पे आप लोगों को माइक्रो SD कार्ड लगाने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कैमरास की अगर बात करें तो दोनों वेरिएंट में आप लोगों को अलग-अलग कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। जो बेस वेरिएंट है 2GB वाला, वहां पे आप लोगों को सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। अगर बात करें दोस्तों हायर वेरिएंट जो कि 3GB एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है, वहां पे आप लोगों को मिलता है डुअल रियर कैमरा सेटअप, काफी सिमिलर है ऑनर 9 लाइट, ऑनर 7X एंड बाकी जो भी ऑनर डिवाइसेस पिछले में लॉन्च हुए हैं। यहां पे आप लोगों को मिलता है 13 MP का प्राइमरी सेंसर एंड 2 MP का डेप्थ सेंसर। ये जो डेप्थ सेंसर है ये डेप्थ सेंसिंग में जो है काम आता है। यहां पे भी आप लोगों को रियर में LED फ्लैश देखने को मिल जाता है। दोनों वेरिएंट में आप लोगों को सिमिलर फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, 8 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और आप लोगों को फ्रंट में LED फ्लैश भी देखने को मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहां पे आप लोगों को मिलता है दोस्तों 3000 mAh की बैटरी। तो यही थे दोस्तों ऊपर के स्पेसिफिकेशंस इस हुआवे ऑनर 7A की। अगर बात करें दोस्तों हुआवे ऑनर 7A की प्राइसिंग की, तो इसको चाइना के अंदर लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो अपर वेरिएंट है उसका प्राइस रखा गया है 999 yuan, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे आता है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 के आसपास। अगर बात करें दोस्तों बेस वेरिएंट, जहां पे आप लोगों को 2GB रैम एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज एंड सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, उसका प्राइस रखा है दोस्तों यहां पे 799 yuan, जो कि अप्रॉक्सीमेटली पड़ता है 8,300 के आसपास। तो इंडिया में जो है इसी प्राइस रेंज के आसपास में आ सकता है एंड रेडमी 5 से जो है कंपीट कर सकता है। रेडमी 5 भी ऐसे ही कुछ सिमिलर स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन रेडमी 5 में आप लोगों को दोस्तों बेटर प्रोसेसर मिलता है। वहां पे आप लोगों को मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 450 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, लेकिन यहां पे इस हुआवे ऑनर 7A में आप लोगों को मिलता है दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 430 ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो यहां पे प्रोसेसर काफी पुराना यूज किया गया है, ऐसा क्यों किया गया है पता नहीं, एटलीस्ट 450 दे ही सकते थे, लेकिन ये प्रोसेसर उतना खराब भी नहीं है। लेकिन अभी अगर स्मार्टफोन लॉन्च कर रहे हैं रेडमी 5 से कंपीट करने के लिए, तो एटलीस्ट स्नैपड्रैगन 450 देना चाहिए था। अब अगर डुअल रियर कैमरा का हाइप बना के स्मार्टफोन को बेचने की कोशिश करेंगे, तो बता दे कि डुअल रियर कैमरा उतना भी कुछ खास नहीं होने वाला है। जो 2 MP का डेप्थ सेंसर है वो उतना कुछ खास नहीं है, जो पोर्ट्रेट मोड्स वगैरह आप लोगों को मिलेंगे उतना कुछ नेचुरल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। और एक बात कि इस हुआवे ऑनर 7 में आप लोगों को फेस अनलॉक भी देखने को मिल सकता है। एंड बात करें कि कब लॉन्च होगा इंडिया के अंदर, तो काफी सारे न्यूज आ रहे थे हुआवे की तरफ से कि हुआवे जा रहा है एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने इंडिया के अंदर। तो काफी ही जल्द लॉन्च कर देगा एक बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन, यानी कि 10,000 के अंदर वाला स्मार्टफोन। तो यहां पे ऑनर 7C भी चाइना में लॉन्च हुआ था एंड ऑनर 7A को भी चाइना में लॉन्च किया गया है। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर कोई भी एक डिवाइस जो है इंडिया के अंदर आ सकता है एंड रेडमी 5 से जो है कंपीट कर सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर बताइएगा कि ये जो हुआवे ऑनर 7A लॉन्च हुआ है कैसा स्पेसिफिकेशंस आप लोगों को
मिल रहा है एंड किस प्राइस में इंडिया के अंदर आने से आप जो है परचेस करने में इंटरेस्टेड होंगे, तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे थे तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोज आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।